अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अग्निपथ स्कीम की मुखालफत में पूरा देश सुलग उठा है और भारत के वजीर आजम और वजीर दिफा इसको किसी तरह पीछे न लेने की बात कर रहे हैं। वजीर आजम हमेशा की तरह ड्रामेबाजी में मसरूफ है। कहीं माँ के कदमों को धोने की नौटंकी करते देखा तो कहीं पर टनल में कचरा उठाते हुए गोदी मीडिया के जरिए दिखाया गया। अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या देश के उन हजारों नौजवानों की माओं का वजीर आजम को ख्याल नहीं रहा जिनकी माओं ने अपने सपूतों को देश सेवा के लिए निछावर करने का ख्वाब देखा था। देश भर में नौजवान सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे। इस बात को सभी ने महसूस किया कि पहले जुमा में एहतजाज करने वाले दहशतगर्द थे तो दूसरे जुमा में एहतजाज करने वाले अपने ही मुल्क के अपने ही बच्चे थे जिन्हें समझाया जा सकता है। खैर, अब तमाम तस्वीरें भी साफ होती जा रही हैं कि मुसलमानों को लेकर रवैया कुछ अलग होता है और दिगर एहतजाजियों को अलग अलकाबों से नवाजा जाता है। लिहाजा अग्निपथ की मुखालफत में अग्निवीर सड़कों पर तो उतर चुके हैं। रियासत कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी एहतजाज देखा गया जिसमें धारवाड़ में लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बेलगाम शहर में भी सोशल मीडिया पर अग्निपथ स्कीम को लेकर बंद के ऐलान की अफवाहें फैलाई गई जिसे लेकर बेलगाम शहर के मुख्तलिफ चौराहों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। खासतौर से चन्नम्मा सर्कल, किला तालाब, गांधीनगर ब्रिज पर काफी तादाद में पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर बोरलिंगिया ने कहा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर मुखालफत हो रही है, कई जगहों पर एहतजाज भी किए जा रहे हैं, लिहाजा कानून नज्म जब्त का ख्याल रखते हुए बंदोबस्त में इजाफा किया गया। पुलिस की जानिब से पिछले दो दिन से मार्च भी किया जा रहा है ताकि शरपसंद किसी शरारत से बाज आ जाए। मुल्क के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर आगजनी की वारदातें देखी जा रही। इसी के मद्देनजर बेलगाम रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस तैनात की गई थी। आज कुछ नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया जिन्हें पूछताछ कर वापिस भी भेज दिया गया। आइए देखते हैं आज के कुछ मंजर। Hey, 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 hey
ಏನು ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಚಲೋ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾಂ ಬಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೆಲವರು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಕ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬೆಳಗಾಂ ಚಲೋ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧರಣಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಂತ ಏನೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಸಹ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಲೀಡರ್ಲೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಬಂದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಂಪು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿವಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ CR ಪ್ಲಟೂನ್ಸು KSR ಪ್ಲಟೂನ್ಸು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪು, ಈ ಥರ ನಿಂತು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಾದ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಕೆರಿಯರ್ನ ನೀವು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಮೂಲಕ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. आज एक और खास बात देखने को मिली जिसमें अब BHP बजरंग दल ने PFI और तबलीग जमात पर पाबंदी की मांग करते हुए इन पर कार्रवाई की मांग की है. पूरे मुल्क भर में आज इन्होंने एहतजाज भी किया. इससे पहले यानी कि पिछले हफ्ते बेलगाम में भी बजरंग दल और BHP ने जुमा में मस्जिदों से पत्थर आते और भारत में हिंदू महफूज नहीं है और हिंदुओं पर जुल्म हो रहा कहते हुए मस्जिदों में जुमा में ऐसा क्या होता है जिससे नौजवान पत्थर फेंकते हैं कहा. यहाँ तक के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर में प्रसाद दिया जाता है पर मस्जिदों में पत्थर दिए जाते हैं. अब तो अग्निपथ स्कीम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत इस योजना को लागू किया जा रहा है. इस पर तबसरे जा रहे हैं और कईयों ने इसे हिंदू राष्ट्र की साजिश भी कहा है. इन तमाम मामलों पर नजर डालने के बाद मुस्लिम समाज की बेहिसी भी शिद्दत से दिखाई देती है. नबी की शान में गुस्ताख की भी इसी पस मंजर में देखना चाहिए. आखिर इस माशरे के माथे पर जू तक रेंगने के लिए तैयार नहीं जिस कौम के खिलाफ सुबह शाम साजिशें चली जा रही है. उस समाज माशरे को किसी तरह की परवाह नजर नहीं आ रही और आने वाले दिन कितने खतरनाक है इसका एहसास भी इनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा. महज एकाद इजलास या एहतजाज छोड़कर पूरे मुल्क में यह समाज गहरी नींद में ही सोता नजर आ रहा. आज भी बेहतर जिंदगी ऐश परस्ती नौजवान आज भी रातों को मोबाइल पर, शादियां दावतों का दौर कहीं पर भी कम होने की बजाय और भी बढ़ते देखा जा रहा है. मस्जिद के इमामों से लेकर दीनी सियासी रहनुमा अपनी जिंदगी में मस्त नजर आ रहे हैं. एक तरफ जहां मुस्लिम समाज को सफेद हस्ती से मिटाने की साजिशें चली जा रही है वहीं दूसरी ओर खुद ये समाज अपनी गर्दन लिए जुबागा की तरफ निकल पड़ा है. इन्हें खबर ही नहीं कि इनके साथ इनके आने वाली नस्ल के साथ क्या होने वाला है. मुस्लिम मोहल्लों में शादियों के जश्न जिसमें DJ से लेकर तमाम खुराफात का मंजर देखने को मिलता है तो कुछ नौजवान सड़कों पर होटलों में बर्थडे की पार्टियां मना रहे हैं. अब इस कौम पर क्या खैर के फैसले आसमान से नाजिल होने वाले हैं. फिल्में, ड्रामा, लूडो, वीडियो गेम, PUBG, आखिर में कुछ नौजवान अर्थगुरुल गाजी और इससे भी कुछ ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा. जिस कौम को महज ज़हनी अय्याशियों के लिए अर्थगुरुल गाजी देखते होंगे इनकी जिंदगी में क्या खास तब्दीलियां रोनुमा होने वाली है. और कुछ दीनी जमातें जिन पर अब पाबंदियों की मांग भी की जा रही है इनका भी हाल कुछ अलग नहीं है. VHP बजरंग दल की जरूरत की इंतहा तो देखो के मस्जिदों में जुमा में क्या कहा जाता है इसकी तहकीक की मांग की जा रही है जबकि किस तरह के बयान जुमा में दिए जाते हैं सभी जानते हैं. लिहाजा
इसे समझने की जरूरत है, जिस काम से उम्मत भाग रही है उस तरफ खुद हालात पलटने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर मस्जिदों में फिरका परस्तों के खिलाफ बयानात क्यों नहीं दिए जाते, जबकि हमारा संविधानिक हक है? और उन लोगों से क्या डरना जो मुल्क को तोड़ने की और यहाँ के आईन को तब्दील करने की बात करते हैं? लिहाजा तकरीबन मस्जिदों में हालात पर बात करने की बजाय वही इबादतों, सवाबों, फजाइल, मसाइल पर बात होती रहती है, जबकि कुछ और ही बयानात दिए जाने के इल्जाम लगाए जाते हैं। मतलब कहाँ तक और जलील होते रहेंगे और कितने इल्जाम के पहाड़ अपने सरों पर उठाए घूमेंगी ये उम्मत? जरूरत हालात पर बात होनी चाहिए। मस्जिदें मिंबर रसूल माशरे की इस्लाह के लिए बनाए गए और यही तालीम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। पड़ोसी भूखा ना सोए से लेकर नबी के जमाने में जंग के काफिले तक इन्हीं मस्जिदों से रवाना हुआ करते थे। इसका तذکرہ भी इन्हीं मस्जिदों से होता था, जिसका तذکرہ फिर से होना जरूरी है। अब तो रोजाना इस्लाम, मुसलमान, नबी, नबी की बेटियों पर तौहीन आमोज अल्फाज रोजाना इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। वही दूसरी तरफ किसी तरह का कोई रद्द अमल मुसलमानों की जानिब से देखने को नहीं मिल रहा। हम ये नहीं कहते कि आप सड़कों पर एहतजाज करो, लेकिन कुछ अहम शख्सियतों, जिम्मेदारों के साथ इंतजामिया पर दबाव तो डालो, दबाव तो कायम करो। मुख्तलिफ जमातों, जिम्मेदारान, सियासी, दीनी लीडरान एक जगह पर मिल्लत के सुलगते मसाइल पर तबादले ख्याल करें, बार बार मुख्तलिफ मोहल्लों में मशवरे करें, हालात पर तबादले ख्याल करें। वरना इसी तरह आज भी मसलक जमातों के छोटे छोटे मसाइल पर उलझते रहेंगे तो आने वाली नस्ल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर चाहे तुम कितनी भी दुआएं मांगते रहो, कुछ फायदा नहीं हो सकता। पहले एक दूसरे को लेकर अपने दिलों को साफ करो, अल्लाह और उसके रसूल के लिए आपस में एक हो जाओ, वरना इस कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसके लिए जिम्मेदार भी यही माशरा होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि जो भी एक आशा, एक उम्मीद परिवार की, हमारी जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग भारतीय वायुसेना के 2020 के वैकेंसी, जिसमें हम लोग की नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, हम लोग स्टार इनटेक एक्स वाई ग्रुप के एग्ज़ाम को पास किए, उतनी कड़ी फिजिकल टेस्ट को पास किए, और यह वही ग्राउंड गांधी मैदान है जहाँ हम लोग 5-5 राउंड इसका दौड़ा करते थे। फिजिकल कंप्लीट करने के बाद हम लोग की मेडिकल प्रक्रिया हुई, मेडिकल प्रक्रिया में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड पाया, यानी कि हम लोग सफल हुए। ग्रीन कार्ड के बाद हम लोग का जो है मेरिट लिस्ट जारी किया, जिसको PSL बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में, उसमें हमारी 1357 रैंक है, मेरे दोस्तों की 200 रैंक है। हम लोगों ने सब प्रक्रिया हासिल कर ली थी, लेकिन जिस प्रकार से हमें वेबसाइट के माध्यम से CASB, वो क्या है कि एयरफोर्स की सिलेक्शन की बोर्ड है, उसने कहा कि आप लोग वेट कीजिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका इनरोलमेंट लिस्ट डिले कर दिया गया है। सर, हम लोगों ने सब्र के साथ, संयम के साथ, हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे पिताजी रोज़ फ़ोन किया करते थे कि आखिर हम लोग की प्रक्रिया में देर क्यों है, लेकिन अफसरों ने कहा, उस CASB बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना के चलते और प्रशासनिक कारणों के चलते आप लोग सब्र रखें, आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। लेकिन सर, एक साल बीत जाने के बाद हम सभी लोगों ने जब देखा कि सब्र का बांध टूट रहा है, हम लोग की आकांक्षाएं और सपने टूट रहे हैं, तो हम लोगों ने जंतर मंतर दिल्ली पे घिराव करने का और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे, उन्होंने हमें ये वचन दिया, हम लोगों से वादा किया कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो बची हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सर दो दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारतीय वायुसेना या भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। सर, हमारी क्या गलती थी बता दो हमें, हमारी क्या गलती थी? सर, हमने तो फ्रेश इनरोलमेंट, फ्रेश काम किया था, हमारी वैकेंसी में तो बस ज्वाइनिंग ही बाकी था सर। और ख़ास बात तो यह है सर कि हम गरीब माता पिता और किसान मजदूर के बेटे हैं सर। हम लोगों ने वो सब प्रक्रिया हासिल करने के बाद हमारे माता पिताओं के घरों में, हमारे घरों में लोगों ने खुशी का उत्सव मनाया, हमने मिठाइयाँ भी बांटा, लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद आज का बस 2 मिनट पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस यह स्पष्ट कर दिया है। BR चौधरी, अनिल पुरी, इन तमाम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बात किया गया, तो इन लोगों ने बोला कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो केवल अग्निपथ स्कीम से ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर क्या बताइए आप कि जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था उन लोगों तो आप ले लिए होते,
आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है, उस पर आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। लेकिन बी आर चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत दिन हो गया मेडिकल किए हुए, तो हो सकता है इसलिए हम उनकी प्रक्रिया जो है शुरू से अग्निपथ से करेंगे। सर आप हमारी मेडिकल फिर से ले लेते, हम तैयार हैं। हमारे 7000 जो वायु सैनिक हैं, हमारे जितने भी वायुसेना के लोग जो ज्वाइनिंग के तैयार कर रहे हैं, हम सब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी, वायुसेना के चीफ जी, आप हमारा मेडिकल कर लो, हमें कोई अफसोस नहीं है। आप बाहर का भी रास्ता दिखाओगे तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपकी तो नीति बस ये है कि किसी तरह अगर इन लोग का मेडिकल ले लेंगे तो इन लोग को परमानेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के आउट चले जाएंगे और जिसको रखना भी होगा तो उसको बस अग्निपथ स्कीम से 4 साल रखना पड़ेगा। अरे सर हम गरीब के बेटे हैं सर, ठेला खींचने वाले और मजदूर के बेटे हैं सर, ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और एक बात बताना चाहते हैं, तुम लाख गिनाओ अपने फायदे अग्निपथ और अग्निवीर की योजना की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कब्र पे हवेली नहीं बनती है, कभी कब्र पे कभी आपका बंगला नहीं बन सकता है। और अगर तुम उस बंगले उस 7000 बेटों का उन दर्दों का अगर तुम कब्र बना के अग्निपथ स्कीम भी लागू करोगे तो हमारी मां रोएगी। और कल का न्यूज देख लो सर आप, कल के न्यूज में मोदी जी की माता जी का बर्थडे था। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि मां एक शब्द नहीं है, लेकिन सर कल मेरी मां ने रोया है, कल मेरी मां ने फूट के कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर बहुत सपना था कि तुम नौकरी पा जाओगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आपकी मां एक मां नहीं है, हमारी भी मां है। उन 7000 माताओं का क्या, जिनकी आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो, हमारे 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 जो थल सेना, रक्षा सेना और जल सेना के जितने अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा दर्द मत भुलाओ सर। हमारे हमारे इस आंसू को तुम खून के आंसू की तरह समझो, क्योंकि ये आंसू ही सिर्फ नहीं है। और सर ये जो हमारा हाथ था, वो हाथ तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने के लिए पैदा हुए थे, मां भारती के लिए पैदा हुए थे कि हम जब जाएंगे सेना में तो एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन किस प्रकार से आज ये कहा गया है कि 4 साल भर्ती के बाद, 4 साल भर्ती के बाद आपको कॉरपोरेट सेक्टर में लोन दिया जाएगा। हमको तुम लोन दोगे, हम पैसा के लिए आए थे यहां। और खास बात बता दूं सर कि जब एक एयरफोर्स, एक सिपाही आर्मी और किसी मिलिट्री के सैनिक की भर्ती होती है तो उसकी सैलरी 40,000 प्रत्येक महीना होती है, उसमें उसको मेडिकल फैसिलिटी हर एक दिया जाता है अलग से। लेकिन अब ये स्कीम जो है वो 21,000 महीना देगी और हमारे पैसे को काट कर ये लोग बोल रहा है कि आप लोग को तो 12 लाख रुपया एक मुफ्त दिया जाएगा। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो सर, हम भी विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं, क्या मूर्ख बना रहे हो, छलने का मत करो। इतना भी गरीब है लेकिन हमारे माता पिता ने उस गरीबी में भी हमें पढ़ने का हमेशा अधिकार दिया है। हम हार नहीं मान सकते हैं, हम कोर्ट तक भी जाएंगे। हम मानते हैं हम गरीब हैं लेकिन हम इस लोकतंत्र को भरोसा करते हैं और लोकतंत्र में हम लोग जाएंगे और हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वो अलग बात है कि हम सफल होना हो, लेकिन अपनी उस माँ के आंखों आंसू को, अपने पिता के दर्द को कभी हम लोग हार नहीं मानने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। और एक बात मोदी जी स्पष्ट कह देना चाहते हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए बड़े सम्मान के साथ, कि हम कभी अडानी और अंबानी की उनके फैक्ट्री में जय हिंद नहीं कहने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं। और 55 साल नौकरी करने के बाद सेना में आप उनको नौकरी क्या देते हो, उनको नौकरी देते हो गार्ड बन जाओ, ATM गार्ड बना देते हो, बैंक गार्ड बना देते हो। अरे साहब जब 55 साल नौकरी करने के बाद एक देश का महान योद्धा जब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है तो आप हम 4 साल का जो अग्निपथ अग्निवीर से जो लड़के रिटर्न होके आएंगे उसके लिए तुम ये जो छलावा कर रहे हो कि उनके लिए हम कॉरपोरेट सेक्टर में भेज देंगे, क्या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो मोदी जी। जो पहले रिटायर हुए उनको तो ध्यान दिया नहीं, अब हमें मूर्ख बना रहे हो। और अगर आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो मोदी जी, आप बिजनेस हमारे साथ कर रहे हो तो हम कह रहे हैं कि आप अगर 71 साल की उम्र में देश के शासन व्यवस्था को चला सकते हो तो आप हमें 22 साल के रिटायर करना चाहते हो। अरे हमारे शरीर में अभी भी वो युवा जोश है, वो लहर है और ये बिहार की धरती है। और मैं संपूर्ण भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिहार और पूरे भारत के हिंदू मुसलमान मेरे भाइयों एक बात कहना चाहता हूं कि आज देश की सेना पे जो चोट किया गया है, आज आप लोग मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आज
आप लोग साथ हो जाइए। अगर आज साथ आप लोग नहीं हुए तो आप लोग की आने वाली नस्लें पूछेंगी कि पिताजी जब देश की सेनाओं को प्राइवेट किया जा रहा था, जब देश के नौजवानों के साथ छला जा रहा था, तो आप लोग खड़े क्यों नहीं हुए। अरे हिंदू मुसलमान करके देश का बहुत सारी सरकारी संस्थाएं बेच दिया गया, हमारी क्या गलती थी सर। इसलिए मेरी बातों को आप लोग एक तो संदेश भी समझो, और हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी भर्ती कर दो। इसके लिए हमें बर्बाद न करो साहब, हमारी क्या गलती थी। तुम स्कीम लाओ वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन 7000 लोगों की कब्र को मत खोदो, वो 7000 लोगों की बद्दुआएं तुम्हें लगेंगी। और हम चाहते हैं कि हम देश के शान में आन में देश के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान भी देना होगा तो हम खड़े होंगे।